जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने पर ज्वालामुखी में बीजेपी कार्यकर्ताओं व युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहर में लड्डू बांटे और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी व्यक्त की। युवाओं ने भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। किशन कुमार प्रदेश सचिव हिमगिरी हिंदू महासभा हिमाचल प्रदेश व दीपक शर्मा जिलाधेरा संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने पर खुशी व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने पर ज्वालामुखी में बीजेपी कार्यकर्ताओं व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहर में लड्डू बांटकर और ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। युवाओं ने भारत माता की जयकार के भी नारे लगाए। इस मौके पर सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने पर खुशी व्यक्त की। संसद के अंदर ये घोषणा की कि 370 और 35 है अब संविधान से हटाया जाएगा। हिंदी हिंदू महासभा के लोगों ने उसी टाइम अति उत्साह में इस फैसले का स्वागत किया और इस ज्वालामुखी क्षेत्र में एक क्विंटल मिठाई का वितरण अभी आपके सामने कर रही है और पूरी कोशिश से पूरे से पूरी ईमानदारी से इस फैसले का स्वागत किया है और केंद्र सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसमें जो है वो धारा 370 और 35A के ऊपर जो काफी लंबे समय से लंबित मांग चली आ रही थी उस निर्णय को लेने की क्षमता दिखाई है। धन्यवाद। भारतीय विद्यार्थी परिषद जब से देश के अंदर एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया उसी समय से विद्यार्थी परिषद मांग करती आ रही थी धारा 370 जो कश्मीर में लगाई गई है इसको हटाया जाए। आज लंबे अरसे बाद धारा 370 और 35A कश्मीर से हटाया गया है। इस खुशी में आज पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही शिक्षा के साथ साथ समाज के अंदर देश के अंदर हो रहे परिवर्तनों के लिए काम करने वाला छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1990 के अंदर जब कश्मीर के अंदर देश का तिरंगा जलाया गया तो विद्यार्थी परिषद ने संकल्प लिया कि जहाँ पे तिरंगे का अपमान हुआ है वहीं जाकर तिरंगे का सम्मान करेंगे। इसी संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1990 में 10,000 छात्र छात्राओं के साथ चलो कश्मीर का नारा देते हुए जहाँ हुआ तिरंगे का अपमान वहाँ करेंगे तिरंगे का सम्मान ये कहते कहते कश्मीर पहुँचे और धारा 370 और 35A को हटाने के लिए मांग की।